गुड इवनिंग, आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर कुमुद जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जो पूर्व का वीडियो है उसमें मैंने जो 1956 में जो धारा 6 है और अब 2005 के बाद जो उसमें संशोधन हुआ है उसके कारण वह 3 भागों में पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। इट कैन बी क्लैरिफाइड टू 3 स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू 3 स्टेप्स। व्हाट आर दे एंड एग्जैक्टली व्हाट आर दे आफ्टर 1956 टिल 2005। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी आफ्टर 2005 व्हाट इज द एग्जैक्टली the position of a daughter as a co-partner and what are the changes which has been made for the gender equality. The third is there are some Supreme Court decisions which have been decided by the Supreme Court relating to Section 6 और धारा 6 को अपने अनुसार जिस हिसाब से संशोधन किया गया है इंटरप्रेट किया गया है, जो कि अंतिम जो डिसीजन है, पहला जो डिसीजन था वह था प्रकाश वर्सेस फूलवती का, जो दूसरा डिसीजन था वह था दन्नमा वर्सेस अमर का, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो डिसीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, एंड दैट इज डिसाइडेड That was decided by 3 judge bench and that's why it is important. And it was decided on 11th August 2020. Please do remember this date. Why? Because till date it is very important. Let's start exactly what was the interpretation which is relating to Section 6 after the amendment made by the Hindu Succession Amendment Act 2005. देखते हैं कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 6 में संशोधन हुआ है वह डिसीजन के द्वारा उन्होंने एक एक लाइन को कैसे इंटरप्रेट किया और क्या प्रॉब्लम्स रेज। पहली जो प्रॉब्लम आई वह शब्द है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट of this amendment act that is 2005। हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रारंभ से और प्रारंभ पर, संशोधित अधिनियम के प्रारंभ से और प्रारंभ पर। अब ये जब आप बोलते हैं तो ये देखा जाएगा ये अधिनियम कब लागू हुआ, तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 9/9/2005। This is also very important date, as said by Supreme Court. Why? ऐसा देखा भी जा रहा है कि जब यह डेट इतनी इंपॉर्टेंट है 9/9/2005, क्योंकि इसी दिन से, इसी तारीख से, इसी दिनांक से सारा अधिनियम यानी कि जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट आया। अब पहली प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसकी हुई वो है कि यदि 9/9/2005 में ये जब संशोधन अधिनियम आया उसके बाद जो शब्दावली धारा 6 में दे रखी है वह है द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर शैल, हिंदी में क्या है, सहदाई की पुत्री। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाले जो डिसीजन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह कहा, क्योंकि पूर्व में यह ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, निर्णित किया गया था कि डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, यहां जो शब्द है वह फादर के लिए यूज हो रहा है, कि वह लिविंग है या डेड है, इस पर प्रश्न उठा पूर्व के डिसीजन में, तो वहां यह डिसाइड हो गया कि चाहे फादर जीवित हो चाहे फादर की मृत्यु हो चुकी हो इससे कोई अंतर नहीं है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन द राइट ऑफ अ डॉटर whether the father is alive or dead. So that was the decided thing by the Supreme Court in this. Now the fact is,
whether the question has been answered, that whether the father is alive or dead, it does not matter. अब दूसरी जो प्रॉब्लम उठी वह है इसी अधिनियम की जो दूसरी लाइन है धारा 6(1) का ए, by birth become a co-partner. Who has become by birth a co-partner? The daughter has become a co-partner by birth. Even though if she had taken birth in 1985, whether 2005 से पूर्व यदि उसका जन्म हो चुका है तब भी वह इसकी अधिकार रखती है. यह जो अधिकार है वह अब इस पर प्रश्न उठता है कि यह जो अधिनियम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उठी वह है कि क्या अधिनियम प्रोस्पेक्टिव है चाहे रेट्रोस्पेक्टिव है. दो शब्द, प्रोस्पेक्टिव यानी कि यह उसे तारीख से लागू होगा यानी कि भविष्य से, या ये रेट्रोस्पेक्टिव है यानी कि ये पूर्व प्रभावी किसी अन्य दिनांक से लागू होगा. तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दिया, डिसाइड किया दैट दिस एक्ट इज रेट्रोएक्टिव यानी कि यह अधिनियम पूर्व व्यापी है. अब रेट्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? रेट्रोएक्टिव मींस दैट देयर इज एन इवेंट, देयर इज अ प्रोसेस, यानी कि कोई घटना हो चुकी है. और यहां जो इवेंट और प्रोसेस है वो क्या है कि यहां पर इवेंट और प्रोसेस है बर्थ ऑफ अ डॉटर. यदि बर्थ ऑफ अ डॉटर पहले हो चुका है तो यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रेट्रोएक्टिव है. लेकिन लागू कब से होगा, उसे राइट कब से मिलेगा एज अ कोपार्टनर, वह उसे 9/9/2005 से ही मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट है. रेट्रोएक्टिव यानी कि एक पूर्व में घटना हो चुकी है, पूर्व प्रभाव, पूर्व व्यापी मतलब यही होता है कि वह एक प्रोसेस, एक इवेंट अकर हो चुका है, एक बर्थ यहां पे क्या हो चुका, डॉटर का जन्म हो चुका है. इसलिए यह यहां अधिनियम बर्थ होने पर इवेंट अकर हो चुका, और क्योंकि अधिनियम का जो प्रभाव है वह 9/9/2005 से होगा, यानी कि उसे कोपार्टनर के रूप में 9/9/2005 से अधिकार मिलेगा. शी कैन क्लेम हर राइट फ्रॉम 9/9/2005 एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि इसको और आगे देखा जाए तो प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ये जो लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर डिसीजन दिया. आगे यदि देखा जाए तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मार्क है. प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए जिस पर यह अपना अधिकार मांग रही है? क्या वह अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या वह ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी? अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी कि अप्रतिबंधता, और ऑब्स्ट्रक्टेड यानी कि सप्रतिबंधता. अप्रतिबंध दाय यानी कि बिना कोई प्रतिबंध के, अप्रतिबंध दाय यानी कि वो कोई प्रतिबंध ही नहीं है और वह अपनी मांग कर सकती है. वह जन्म से, जैसे को आफ्टर 1956 अपन ने देखा कि को पार्टनर जन्म लेते ही अपनी मांग कर सकते थे, वहां यह आवश्यक नहीं थी कि को पार्टनर की मृत्यु हो. यह यहां एक ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन यही बात धारा 6 में कही कि जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वह अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी कि जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी. जॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है वह अनऑब्स्ट्रक्टेड होती है, बाय बर्थ सारे राइट हो जाते हैं. और अगर सप्रतिबंध होती तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती, यानी कि किसी की डेथ होना आवश्यक है. और यहां तो पिता चाहे वह जिंदा हो चाहे वह उसकी मृत्यु हो, वह अधिकार मांग सकती है. कौन मांग सकती है? डॉटर एज अ राइट, एज अ राइट एग्जैक्टली इक्वल टू सन एज अ को पार्टनर, बट द राइट दैट शी कैन क्लेम इज फ्रॉम 9/9/2005.
इस तरह से यह आज आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स वहां पे रेज हुई वह मुझे मैंने समझाने की कोशिश की आगे के वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस डिसाइडेड था। आगे के वीडियो में और जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रेज हुए उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।